Welcome everyone, this is Annie Ray. In this episode, we'll discuss Workout Plan for Beginners Part 1. Let's roll it. Yeah, I've been running and running to keep it 100. It's all that I wanted, but lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I win. ऑल राइट, सो हमारा जो यूथ है वो बॉलीवुड मूवीज से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेते हैं। अपने फेवरेट हीरो की परफेक्ट फिजिक देख के वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होकर जिम ज्वाइन कर लेता है, लेकिन पहले दिन जब वो जिम में कदम रखता है तो उसे पता ही नहीं रहता कि किस टाइप का वर्कआउट हमें परफॉर्म करना चाहिए इनिशियल स्टेज में, तो इस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है। तो आज के एपिसोड में आपको बताऊंगा कि आप जब जिम में पहले दिन कदम रखते हैं आपको किस टाइप का वर्कआउट प्लान फॉलो करना चाहिए। एज आप बिगनर है तो आपको सोच समझ के वर्कआउट करना चाहिए जिससे इन फ्यूचर आपको इंजरीज ना हो। बट वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां जाके जरूर फॉलो करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। पहले दिन जब आप जिम में कदम रखते हैं डायरेक्टली आपको कार्डियो सेक्शन में जाना है। वहां पर इलेप्टिकल, ट्रेडमिल या फिर साइकिलिंग में आपको 5 से 10 मिनट स्पेंड करना है, बिकॉज जब भी आप कोई भी कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं आपका हार्ट बीट थोड़ा सा बढ़ जाता है और आपके ओवरऑल बॉडी में ब्लड फ्लो फास्ट हो जाता है जिससे आप वर्कआउट करने के लिए रेडी हो जाते हो। तो सबसे पहले 5 से 10 मिनट तक मॉडरेट रेट में आपको कार्डियो करना चाहिए। जब आपका वार्म अप कंप्लीट हो जाए उसके बाद फ्लोर पे आइए और अच्छे से मोबिलिटी एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करिए, बिकॉज जब भी आप मोबिलिटी एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते हैं आपके मसल्स फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, साथ ही में आपका रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाता है जिससे इन फ्यूचर आप अच्छे से वर्कआउट कर सकते हैं। और साथ ही में मोबिलिटी एंड स्ट्रेचिंग के एक्सरसाइज परफॉर्म करने से आपके जो इंजरीज के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। तो अच्छे से 10 से 15 मिनट तक आपको मोबिलिटी एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस परफॉर्म करने चाहिए। जब आपने वार्म अप, मोबिलिटी एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर लिया उसके बाद आपको फ्लोर पे आके बिगनर के जैसे वर्कआउट करना है, बिकॉज मैंने जिम में देख रखा है कि बहुत सारे लोग पहले दिन आके किसी बड़े बॉडी बिल्डर का वर्कआउट प्लान लेके आते हैं और उसी को फॉलो करते हैं। आपके मसल्स रेडी नहीं है अच्छे से वर्कआउट करने के लिए, इसलिए आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से आपको एक सर्किट ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलो करना चाहिए जिसमें आपको ओवरऑल बॉडी 1 हफ्ते से 10 दिन तक ट्रेन करना है जिससे आपके मसल्स रेडी हो जाएंगे, बिकॉज इन फ्यूचर मैं आपको बताऊंगा कि पर डे कैसे आपको वर्कआउट करना है, लेकिन उसके लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड के लिए वेट करना पड़ेगा। तो आज के दिन आपको क्या करना है, सबसे पहले जाके आपको पुशअप्स लगाने हैं। अप्रॉक्सीमेट 10-10 के 2 या 3 सेट आप लगा सकते हैं या उससे भी कम भी चलेगा। अगर आपसे फुल पुशअप्स होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी होते तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप नी पुशअप्स भी लगा सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट 2 या 3 सेट्स उसके आप लगाइए और उसके बाद आपको पुलअप्स करने हैं। अगर आपसे पुलअप्स भी नहीं होते तो आप लैट पुल डाउन मशीन में अप्रॉक्सीमेट 2 से 3 सेट्स लगा सकते हैं, बिकॉज आपको वेट एकदम मिनिमम रखना है एज आप स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद जब आपका लैट पुल डाउन मशीन कंप्लीट हो जाए या फिर पुलअप्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको फ्री स्क्वाट्स लगाने हैं, बिकॉज ओवरऑल बॉडी आपको ट्रेन करनी है और आपका जो लेग्स रहता है वो आपका बेस रहता है। अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग रहा तो इन फ्यूचर आपकी फिजिक बहुत अमेजिंग बन सकती है, इसलिए 1 या 2 सेट आपको फ्री स्क्वाट्स के लगाने हैं। रेप रेंज अप्रॉक्सीमेट 8 से 10 हो सकते हैं। जब आपका स्क्वाट्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद खाली रॉड से आप फ्लैट बेंच प्रेस भी लगा सकते हैं, या फिर अगर आपके जिम में चेस्ट प्रेस मशीन है तो मिनिमम वेट में अप्रॉक्सीमेट 1 या 2 सेट्स आप लगा सकते हैं। रेप रेंज अप्रॉक्सीमेट 8 से 10 हो सकते हैं। जब आपका बेंच प्रेस या फिर चेस्ट प्रेस कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको लगाने हैं सिटेड रोइंग जिसमें आपका बैक के मसल ट्रेन होंगे, तो इसके भी अप्रॉक्सीमेट 1 या 2 सेट्स आप लगा सकते हैं और रेप रेंज अप्रॉक्सीमेट 8 से 10 आप ले सकते हैं। इनिशियल स्टेज में आपको ज्यादा वेट ऐड नहीं करना है, मिनिमम वेट से ही स्टार्ट करना है। जब आपने चेस्ट, बैक और लेग्स का वर्कआउट कंप्लीट कर लिया उसके बाद बारी आती है शोल्डर्स की, तो शोल्डर के वर्कआउट के लिए आप मिलिट्री प्रेस भी लगा सकते हैं या फिर हल्के वेट से डंबल प्रेस भी लगा सकते हैं और इसके भी अप्रॉक्सीमेट 2 या 3 सेट्स आपको लगाने हैं और रेप रेंज जो रहेगा वो 8 से 10 ही रहेगा। जब आपने सारे बड़े मसल कंप्लीट कर लिया उसके बाद बारी आती है छोटे मसल्स की, और छोटे मसल्स में सबसे पहले आपको अपने बाइसेप्स को ट्रेन करना है जो लड़कों का सबसे फेवरेट वर्कआउट रहता है, सबको बड़े बड़े डोले चाहिए रहते हैं। तो इसके लिए आप छोटे छोटे डंबल्स या फिर बाबल से बाइसेप कर्ल्स लगा सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट 2 या 3 सेट्स आप लगा सकते हैं और जो वेट रहेगा वो मिनिमम रहेगा, बिकॉज अगर आपने अपने बाइसेप्स को ओवर ट्रेन कर दिया तो नेक्स्ट डे आप अपने हाथ को सीधा भी नहीं कर पाओगे। मैंने जब जिम ज्वाइन किया था मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हुई थी। और जब आपका बाइसेप का वर्कआउट कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको ट्राइसेप भी ट्रेन करना है, जिसके लिए आप ट्राइसेप पुश डाउन कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेट 2 या 3 सेट मिनिमम वेट में, और जो रेप रेंज रहेगा वो रहेगा 8 से 10
और जब आपका ट्राइसेप भी अच्छे से ट्रेन हो गया और इसके बाद बारी आती है लास्ट मसल की, जो आपका काप मसल है, जिसके भी आपको 2 या 3 सेट्स लगाना है। इनिशियल स्टेज में मिनिमम वेट से ही आपको स्टार्ट करना है। और जब आपने सारा वर्कआउट कंप्लीट कर लिया, उसके बाद अगेन आपको स्ट्रेचिंग करनी है। बिकॉज जब आपका वर्कआउट कंप्लीट होता है, उसके बाद स्ट्रेचिंग करने से आपके मसल्स जो सोरनेस होने वाली रहती है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। और उसके बाद अप्रॉक्सीमेट 5 मिनट आपको कूल डाउन करना चाहिए, या तो आप ट्रेडमिल या फिर साइकिलिंग भी कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी कूल हो जाएगी। जब आपका वर्कआउट कंप्लीट हो गया, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज डाइट। इनिशियल स्टेज में आपको सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो नॉर्मल डाइट आप खाते थे उसमें प्रोटीन का इंटेक आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन, एग या फिर फिश ऐड कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप दाल, राजमा, मोठ एंड पनीर भी ऐड कर सकते हैं। बिकॉज नॉर्मल लोगों से आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अभी बढ़ जाएगी। बिकॉज जब आप अच्छे से डाइट लेंगे तभी तो आपकी बॉडी रिकवर होगी। और अच्छे डाइट के बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जो आती है रेस्ट की। इसलिए अप्रॉक्सीमेट 60 से 8 घंटे का आपको डीप स्लीप करना है। बिकॉज जब भी आप सोते हैं तब आपकी बॉडी रिकवर हो जाती है। नेक्स्ट डे आपको थोड़ी थोड़ी सोरनेस रहेगी, लेकिन धीरे धीरे आप प्रॉपर ट्रेनिंग करते रहेंगे तो आपकी सोरनेस ठीक हो जाएगी। और नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि पर डे के हिसाब से आपको कैसा वर्कआउट लगाना है, और जिससे धीरे धीरे आप एक अच्छी फिजिक अचीव कर सकते हैं। और इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझे इंस्टा पे फॉलो करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही में जो रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, बाजू वाला जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डिड देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल। कीप पंपिंग स्टेबलेस।